भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर महानगर ने नागपुर विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। इस शैक्षणिक वर्ष से बिना किसी को ध्यान में रखे 20% शुल्क वृद्धि की गई। कोविड के हालात को देखते हुए अब जहां सारा माहौल स्थिर हो रहा है, पूरे पूर्वी विदर्भ में भी सूखा पड़ा है। ऐसे में फीस में 20% की बढ़ोतरी छात्रों और अभिभावकों के लिए भारी जुर्माना हो सकती है। आज इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा विद्यार्थी अघाड़ी ने यह धरना आयोजित किया। आज से 10 दिन पहले बीजेपी छात्र संघ ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बयान दिया था, लेकिन विश्वविद्यालय ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दाखिले के दिन नजदीक आ रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से कुछ फैसले नहीं लिए गए। आज विश्वविद्यालय की प्रबंधन समिति की बैठक हुई। भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीधे प्रबंधन समिति की बैठक पर धावा बोल दिया और जोर देकर कहा कि फीस वृद्धि पर पहले फैसला लिया जाए और अन्य मुद्दों पर बाद में चर्चा की जाए। कुलपति ने अनुरोध पर सहमति जताई और प्रबंधन समिति की बैठक में पिछली फीस वृद्धि के निर्णय को निलंबित कर दिया और युवा मोर्चा को सूचित किया और फिर अगली बैठक शुरू की। आज के विरोध का नेतृत्व भाजपा प्रदेश महासचिव शिवानी दानी वाखरे, भाजपा प्रदेश सचिव कल्याण देश पांडे, भाजपा नगर अध्यक्ष परेंद्र पाटले, प्रदेश सदस्य सेवा दहंकर, रितेश रहाटे, नगर महासचिव सचिन करारे, दीपांशु लिंगयाद, बोर्ड अध्यक्ष बादल राउत ने किया। नीलेश राउत, सनी राउत, पंकज सोनकर मौजूद थे। विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे। एक मिनिट काय करू बोला, न्याय भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।